गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू योर हिंदी क्लास, हिंदी सेकंड नूतन गुंजन, पाठ तेरा चिड़िया का गीत। आइए बच्चों, इस पाठ में हम लोग चिड़िया का गीत, जो कि एक कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पाठ के आरंभ होने से पहले चर्चा करें, कुछ प्रश्न दिए होते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सुबह होने पर आसमान में, पेड़ों पर, छज्जों पर, घर की मुंडेर पर क्या देखते हैं? बच्चों, सुबह होने पर हम आसमान में क्या देखते हैं? पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ों पर पक्षियों को बैठे हुए देखते हैं, बोलते हुए देखते हैं, छज्जों पर पक्षियों को घूमते हुए देखते हैं, इसी प्रकार घर की मुंडेर पर भी पक्षियों को चहचहाते हुए देखते हैं। चिड़िया अपने क्या क्या काम खुद करती है? बच्चों, चिड़िया अपने लिए दाना खुद चुग कर लाती है और अपना घर भी खुद ही बनाती है। सुबह के समय चिड़ियों की आवाज सुनकर कैसा लगता है? सुबह के समय चिड़ियों की आवाज सुनकर अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। आइए बच्चों, आगे देखेंगे। एक नीले कलर की लाइन में लिखा है, छोटी सी चिड़िया बहुत मेहनती होती है, जो तिनके जोड़ जोड़ कर अपना घोंसला बनाती है। वह हमेशा खुश रहती है और यही सीख देती है, खुश रहा करो। सीख देना मतलब शिक्षा देना, कि वो भी खुश रहती है और सभी को बोलती है कि आप लोग भी खुश रहा करो। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं और अब कविता को पढ़ेंगे। ये चित्र जो देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये चिड़िया का चित्र है। आइए कविता पढ़ते हैं। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। बच्चों, जब सूरज उगता है तो चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, शब्द का अर्थ है मीठा गाना सुनाती है, और चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। सभी लोग उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं। चलिए कविता की आगे की पंक्तियां देखते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखो, इसमें चिड़िया अपना घोंसला बना रही हैं। देखो किस प्रकार वो छोटे छोटे तिनके लाकर अपना घोंसला बना रही हैं। चलिए बच्चों, कविता की पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है, तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड बनाती है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है चिड़िया दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है, दूर दूर तक आसमान में उड़कर अपने पंखों को फैलाकर दाना चुगने जाती है, और तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड बनाती है। नीड शब्द का अर्थ है बच्चों अपना घर बनाना, और चिड़िया का घर होता है घोंसला। छोटे छोटे तिनके तिनके जोड़कर वो अपना घर बनाती है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वह सह लेती है, आप खुशी से जीती है और खुशियां ही फैलाती है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वह सह लेती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो खुशी खुशी सबको सहती रहती है, और आप खुशी से जीती है और खुशियां ही फैलाती है। बच्चों, वो खुद भी खुश रहती है और खुशियां ही फैलाती है, सभी लोगों को अपनी आवाज सुना सुना कर खुश कर देती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू। कीप लर्निंग।